जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित नवीन शासकीय महाविद्यालय चंद्रपुर भवन विहीन है। महाविद्यालय जुगाड़ के भवन में कक्षाएं संचालित की जा रही है। सरकार जहां ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की बात करती है, परंतु 3 साल के बाद भी महाविद्यालय का खुद का भवन नहीं होने से अभी प्राथमिक शाला एवं शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के पुराने जर्जर हो चुके हैं। कमरों में कक्षाएं लग रही है, बारिश के दिनों में भारी परेशानी होती है। शासन द्वारा 15/6/2017 को नवीन महाविद्यालय खोलने की अनुमति दी गई थी। महाविद्यालय को खुले हुए अभी 3 साल हो चुके हैं। महाविद्यालय में BA, BCom, BSc विषयों की पढ़ाई होती है, साथ ही प्रैक्टिकल व लाइब्रेरी की सुविधा के लिए कमरे नहीं होने के कारण BSc के छात्र छात्राओं को प्रैक्टिकल के लिए भारी परेशानी उठाना पड़ रही है, परंतु आज तक भवन नसीब नहीं हुआ। इस महाविद्यालय में प्राध्यापक के कई पद रिक्त हैं, जिसमें विषय इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, रसायन शास्त्र, गणित, वाणिज्य सहित अन्य विषयों के प्राध्यापक नहीं है, जिस कारण प्राध्यापक नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं कार्यालय में भृत्य के 2 पद रिक्त है, जिस कारण कार्य पर असर पड़ रहा है। वहीं पद रिक्त होने के कारण साफ सफाई एवं अन्य कार्य खुद महाविद्यालय के प्राध्यापक व कर्मचारी कार्य करते हैं। बता दें कि शासकीय महाविद्यालय चंद्रपुर में करीब 450 छात्र छात्राएं अध्यापन करते हैं, जिसमें 258 छात्राएं व 193 छात्र हैं। सबसे ज्यादा महाविद्यालय में लड़कियां ग्रामीण क्षेत्रों की पढ़ाई कर रही है, मगर सुविधा नहीं मिलने के कारण उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। ग्रामीण अंचल के दूरदराज के करीब वर्ग के छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। शासकीय महाविद्यालय चंद्रपुर में शौचालय तक नहीं है एवं खेल मैदान अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। महाविद्यालय में शौचालय नहीं होने के कारण छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शासकीय महाविद्यालय चंद्रपुर में आज तक प्राइवेट कक्षा की परीक्षाएं यहां नहीं होती। महाविद्यालय में प्राइवेट विषयों के सेंटर नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के करीब वर्ग के छात्र छात्राओं को 25 किलोमीटर दूर शासकीय महाविद्यालय ढबरा एवं शासकीय महाविद्यालय सारगढ़ एवं रायगढ़ में परीक्षा के लिए जाना पड़ता है, जबकि कई बार महाविद्यालय में प्राइवेट कक्षाओं के लिए परीक्षा सेंटर बनाने की मांग कर चुके हैं। जर्जर भवन में संचालित है, मिडिल स्कूल की भवन है, जर्जर है और ये सुविधा का अभाव है। यहाँ प्राध्यापकों की भी कमी है। यहाँ रेगुलर स्टाफ में 4 लोग हैं, बाकी अतिथि व्याख्यातों के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। यहाँ बैठने की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है, तो पर भी हम व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस्मत तारा है, मैं BA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। यहाँ जो स्कूल है वहाँ पे हमारा कॉलेज लगता है, जिसमें बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम होता है। हमारे आसपास की लड़कियाँ यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं, लेकिन सुविधा उतना नहीं मिल पाता है। यहाँ शौचालय की भी सुविधा नहीं है, लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और भवन भी नहीं है, जिसकी वजह से हमें स्कूल में पढ़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है पढ़ने में। बरामदा में बैठ के भी पढ़ना पड़ता है हमें कभी कभी, क्योंकि भवन तो है नहीं हमारे पास। और हमने प्राइवेट के लिए भी अपील की थी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है उसमें। है, मैं BCom फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और हमारा जो कॉलेज है एक प्राथमिक शाला में लगता है, जो कि बहुत ही जर्जर हो चुका है। और इस मांग को हम लोग कई बार रख चुके हैं, उसके बावजूद हमारा मांग पूरा नहीं हुआ है। ये बिल्डिंग नहीं होने के कारण हमारे कॉलेज की स्टूडेंटों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और साथ ही हमारे कॉलेज में प्राइवेट का सेंटर नहीं है, जिसके लिए कॉलेज आसपास के स्टूडेंट को 25 किलोमीटर दूर सारंगढ़ और डबरा कॉलेज में जाना पड़ता है। इस मांग को हम लोग कई बार रख चुके हैं, फिर भी यह मांग भी हमारा पूरा नहीं हुआ। और इसके बावजूद हम लोग इसी कॉलेज में अपना यापन कर रहे हैं। और बायो का जो है सेंटर हम लोगों के कॉलेज में नहीं है, बायो का सेंटर के लिए भी हम लोग मांग किए हैं, उसके बावजूद यह मांग हमारा पूरा नहीं हुआ है और न ही हमारे कॉलेज में लैब है।